नेक्स्ट चैप्टर आपका पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो बात करते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी जो वर्ड है ये प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले, और इन्होंने अर्नेस्ट हैकल ने बताया था कि पारिस्थितिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी यानी इंग्लिश का वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होता है ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है जिसको बोलते हैं ओइकोस। ओइकोस का मतलब होता है यहाँ पर हाउस, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि आपके घर का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी क्या हुआ, जीवधारियों के उनके वास स्थान और वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन कहलाता है आपका पारिस्थितिकी। ठीक है, तो जीव स्थान यानी कि कोई भी जीवधारी जिस जगह रहता है उस जगह का वातावरण कैसा है, उस वातावरण का उस जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो जो जीव है वो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीज़ों का जो अध्ययन कहलाएगा वो आपकी क्या कहलाएगी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की दो शाखाएँ हैं, ये दो शाखाएं हैं स्वयं पारिस्थितिकी और समुदाय पारिस्थितिकी। स्वयं से क्या तात्पर्य है, स्वयं हम किस स्वयं वर्ड हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, अपने लिए, सिर्फ अपने लिए। अपने लिए मतलब सिर्फ अपने लिए, मतलब स्वयं पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन, किसी एक व्यक्ति का उसका वातावरण पर और वातावरण का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव कहलाएगा, स्वयं पारिस्थितिकी। दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी को तीन अलग अलग भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है आबादी पारिस्थितिकी। आबादी पारिस्थितिकी से मतलब होता है कि एक ही जाति विशेष के लोगों का उनके वास स्थान का पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन, एक जाति का। ठीक है, मनुष्य में देखें तो मनुष्य में कौन सा कितनी सारी प्रजातियां हैं, 36 प्रजातियां हैं, 6 प्रजातियां। इन 6 प्रजातियों में से किसी एक ही प्रजाति के एक जाति विशेष का उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पर्यावरण का उसको कैसे, उस जाति विशेष को किस तरह से प्रभावित करेगी, हम उसका अध्ययन करते हैं किसमें, आबादी पारिस्थितिकी में। दूसरी आती है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय में यहाँ पे सभी जातियों के जीवधारियों का अध्ययन कहलाएगा। फिर हम सारी प्रजातियों को जितने भी हैं सभी को इंक्लूड करते हैं, यानी कि पूरी मनुष्य जाति का हम अध्ययन करेंगे, और मनुष्य जाति का वहाँ पर आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, पर्यावरण पर किस तरह से वो प्रभावित करेगा, और वो पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित करते हैं, वो सारी चीज़ों का अध्ययन। जबकि पारिस्थितिकी में यहाँ पर सभी प्रकार के जीव, सभी प्रकार के अजीव यानी कि स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, प्लस ऊर्जा जो भी है, भूतापीय ऊर्जा और सौरिक ऊर्जा, यानी कि समस्त चीज़ों का जो अध्ययन कहलाएगा वो कहलाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र के अंतर्गत। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा। अगर पूछा जाए आबादी और समुदाय पारिस्थितिकी में क्या डिफरेंस है तो बता पाएंगे कितने लोग, आबादी और समुदाय पारिस्थितिकी में क्या डिफरेंस है, चलिए राशिद जी बताएं। एक जाति और समुदाय में, बस इतना ही तो लिखना था, ये तो आप स्वयं लिख सकते हैं, है ना, लिखाने की जरूरत नहीं है ना इसको, लिख लीजिए फिर फटाफट हेडिंग डालिएगा और लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा पारिस्थितिकी। इसमें लिखिएगा सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, हाँ इतने के नीचे ही आपको वो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करने के लिखना है, नेक्स्ट डायग्राम कल बनेगा फिर। अर्नेस्ट हैकल ने 1969 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है ओइकोस लॉगस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस यानी कि घर, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। लॉगस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन, अर्थात जीवधारियों के वास स्थानों
और उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अर्नेस्ट हेकल के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट इन डालेगा, पारिस्थितिकी विज्ञान की शाखाएं। इसमें लिखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान का अध्ययन मुख्यतः दो रूपों में किया जाता है। पहली हेडिंग डालेगा स्वयं पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु और वातावरण में उसके संबंधों व्यक्तिगत पौधे या व्यक्तिगत या जंतु का वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट डालिएगा, समुदाय पारिस्थितिकी इसे तीन उप विभागों में बांटा गया है। पहला है आबादी पारिस्थितिकी। इसमें लिखिएगा, इसके अंतर्गत किसी स्थान पर एक ही जाति विशेष के पादप अथवा जंतु के संपूर्ण सदस्यों द्वारा निर्मित आबादी तथा इसके वातावरण के संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट डालेगा, समुदाय पारिस्थितिकी। इसमें लिखिएगा, समुदाय पारिस्थितिकी तीन चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आबादी, समुदाय और आपकी पारिस्थितिकी तंत्र की आती हैं। इसके अंतर्गत किसी स्थान पर पाए जाने वाले सभी जाति के जीवधारियों ब्रैकेट में लिखिएगा पादप, जंतु, कवक,
जीवाणु आदि ब्रैकेट बंद की आबादियों द्वारा निर्मित जैवीय समुदाय तथा इसके वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है नेक्स्ट इंडिया लिखा पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी इसके अंतर्गत किसी स्थान के पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय अजीवीय घटकों के पारस्परिक संबंधों तथा इन घटकों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह तत्वों के चक्रीकरण तथा खाद्य जाल आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी क्या होती है और उसकी शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। बाकी जो चैप होगा कल हम स्टार्ट करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का जो सारा खेल है, कल 9 बजे से क्लासेस रहेंगी और 9 बजे ही आना है, ठीक है, विदाउट एनी टाइमिंग। आज जो आप लोग लेट आएँ वरना आज काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। चलो।